हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ तनिमा एंड होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो आज का टाइटल देखे तो आप समझ ही गए हैं कि मैं कौन सा बारे में वीडियो कर रही हूँ। तो गाइज, आज का जो वीडियो है दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। तो मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि सब लड़की का एक ड्रीम रहता है अबाउट देयर मैरिज, अबाउट देयर एंगेजमेंट, हल्दी, मेहंदी एंड ऑल्सो जो नया ब्राइड है, लाइक नॉट अपकमिंग ब्राइड, जिसका ऑलरेडी लाइक दे आर मैरिड, ओके, वो भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है कि घर में कोई छोटा मोटा ओकेशन है और कोई लाइक किसी का घर पे कोई इन्विटेशन है तो कैसे सज के जाएंगे। तो इसके लिए मुझे बहुत सारा रिक्वेस्ट आया था, प्लीज़ एक वीडियो करो कि नया ब्राइड को कैसा मेकअप करना चाहिए और कौन सा चीज़ मेकअप के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उसका जो लाइक स्कार्स है, डार्क सर्कल्स है, उसको कैसे हाइड करें एंड ऑल थिंग्स। तो मैंने सोचा कि ओके ठीक है, मैं ये कर लेती हूँ, क्योंकि लाइक बहुत सारा नया ब्राइड्स का यही क्वेश्चन होते हैं कि ओके इन्विटेशन है, लाइक कौन सा साड़ी पहनूँ, कौन सा ज्वेलरी पहनूँ, ये सब क्वेश्चन होते हैं। बट अल्टीमेटली क्या लाइक क्या मैं लुक क्रिएट करूं, ये एक टेंशन रह ही जाती है। तो आज का वीडियो शुरू करती हूँ और बक बक ना करते। एंड गाइज, वन मोर थिंग, इफ यू न्यू इन माई चैनल देन प्लीज टेक अ मोमेंट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम, माई इंस्टाग्राम हैंडल इज हियर ऑल्सो इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो गाइज, लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं पहले क्या करूँगी कि मेरा जो फेस पे एक्स्ट्रा हेयर है ना, उसको मैं रिमूव कर दूंगी, क्योंकि आप सोच लो कि मेरा हैंड, मैं कभी भी वैक्सिंग नहीं करती हूँ हैंड पे, तो आप सोच लो कि आप इधर कोई फाउंडेशन अप्लाई करोगे, ठीक है, इधर बहुत सारा लाइक हेयर्स है, तो उस पर फाउंडेशन अप्लाई करने के बाद आपका फाउंडेशन अच्छा नहीं लगेगा जितना आपका इधर लगेगा, बिकॉज हेयर इज नो हेयर। तो इसलिए फेस का भी जो हेयर है ना, उसको रिमूव करना चाहिए ताकि मेकअप फ्लॉलेस लगे। तो चलिए नेक्स्ट चीज पे चले जाते हैं। तो मैं फर्स्ट करूंगी स्किन केयर। तो गाइज, मैं आपको कोई फेस वॉश आज सजेस्ट नहीं कर रही हूँ, मेरा चैनल पे स्किन केयर का बहुत सारा लाइक वीडियोज है, तो उधर से जाके आप चेक कर सकते हो। बट आज मैं मेरा फेस वॉश की हूँ बायोटिक का बायो वाइट फेस वॉश है, ये वाला फेस वॉश। या तो देन मैं अप्लाई करूंगी गुड वाइब्स का टोनर एंड दिस इज गुड वाइब्स पोमीग्रेनेट ग्लो टोनर। देन इसको मैं टैप टैप करके फेस पे अप्लाई करूंगी। देन मैं अप्लाई करूंगी लॉरियल का माइक्रो क्रिस्टल माइक्रो एसेंस। तो इसको मैं थोड़ा सा हाथ पे लगा के देन मैं इसको फेस पे टैप करके अप्लाई करूंगी। एंड दिस इज सो मच हाइड्रेटिंग एंड दैट्स व्हाई आई लव इट सो मच। ओके, एंड एक अच्छा मेकअप के लिए आपका फेस पे हाइड्रेशन इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट, मॉइस्चराइजिंग इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। तो देन आज मैं कोई मॉइस्चराइजर नहीं अप्लाई करूंगी, मैं अप्लाई करूंगी डायरेक्ट फेशियल ऑयल। फेशियल ऑयल के लिए मैं यूज कर रही हूँ गुड वाइब्स का सिल्वर फेशियल ऑयल। देन मैं आपको एक चीज बोलना चाहती हूँ कि आपका बहुत ऑयली स्किन है देन यू शुड गो फॉर मैट प्राइमर, बट आपका मेरे तरह ड्राई और नॉर्मल स्किन है देन यू कैन गो फॉर ड्यूई प्राइमर। जो मैं यूज कर रही हूँ दिस इज ड्यूई प्राइमर एंड दिस इज फ्रॉम वेट एंड वाइल्ड। एंड वन मोर थिंग, सेम रेंज पे सेम प्राइस पे वेट एंड वाइल्ड का और एक प्राइमर आते हैं जो है मैट प्राइमर। मैंने सुना है कि वो भी बहुत अच्छा है, बट मेरा स्किन ड्राई है तो मैं इसलिए इसको ही यूज करूंगी बिकॉज दिस इज ड्यूई।
ब्राइडल वाला मेकअप करेंगे तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा चलता है, एंड आपका स्किन पे कोई लाइक डार्कनेस है, डार्क सर्कल है, तो आप ऑरेंज करेक्टर और ग्रीन करेक्टर यूज कर सकते हैं, बट मेरा ऐसा कोई डार्कनेस नहीं है, एंड जो लाइक डार्क सर्कल है वो मेरा कंसलर से चले जाएंगे, तो मैं कोई करेक्टर यूज नहीं करूंगी। फर्स्ट करूंगी आई मेकअप, एंड मैं आपको भी रिकमेंड करूंगी कि आप भी फर्स्ट आई मेकअप ही करो, बिकॉज वही आई थिंक आई मेकअप पहले करना इज अ सेफ साइड, क्योंकि आपका आई का कोई गलती है ना, तो आप बाद में कंसीलर और फाउंडेशन की हेल्प से उसको लाइक ढक सकते हैं, तो इसलिए मैं रिकमेंड करूंगी कि आप फर्स्ट आई मेकअप करो। तो मैं भी चले जाऊंगी मेरा आई मेकअप पे। आई मेकअप के लिए मैं यूज करूंगी मेबेलिन फिट मी का कंसीलर, एंड द शेड नंबर इज 25 मीडियम। दिस इज माय परफेक्ट शेड, तो इसको मैं अप्लाई करूंगी मेरा आई का ऊपर आईलिड पे। देन मैं इसको ब्लेंड करूंगी डैम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से। एंड वन मोर थिंग, ब्यूटी ब्लेंडर कैसे डैम करना चाहिए उसका वीडियो मेरे चैनल पर ऑलरेडी है, आपने ही देखे हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दूंगी। आप आईलिड का कंसीलर और अंडर आई का कंसीलर ब्लेंड करोगे ना, तो आप ये वाला साइड से ही ब्लेंड करो, बिकॉज ये वाला और ये वाला जो साइड है इट विल गिव यू ए प्रिसाइज एप्लीकेशन। ठीक है, तो मैं ये वाला ब्लेंडर को ही यूज करूंगी। बहुत ही ब्राइट लग रहा है, तो गाइज आप देख सकते हो मैं ऑफ कैमरा आईब्रो को ड्रॉ कर चुकी हूँ। मैं थोड़ा सा डिफाइन करने के लिए कंसीलर यूज करूंगी, तो इस ब्यूटी का कंसीलर यूज करूंगी। तो अभी मैं इसको लाइक ब्लेंड कर लूंगी सेम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से, एंड ये वाला साइड से मैं करूंगी। ठीक है, तो गाइज यू कैन सी मैं इसको प्लेस कर चुकी हूँ, लाइक ब्लेंड कर चुकी हूँ। अभी मैं इसको सेट करने के लिए यूज करूंगी मेबेलिन फिट मी का, ये है कम्पैक्ट पाउडर, एंड शेड नंबर इज आइवरी। तो बहुत ही टैप करके आपको सेट करना पड़ेगा, लाइक टैप टैप टैप, फर्स्ट मैं प्लेस करूंगी एज यूजुअल, एज यूजुअल दिस शेड, बिकॉज बिकॉज आई लव दिस शेड एंड इट्स माई ट्रांजिशन शेड। या तो ये जो कलर है ना, इसको मैं ऑल ओवर आईलिड पे प्लेस करूंगी, लाइक ऑल ओवर, लाइक ये क्रीज तक, लीड से क्रीज तक, ऑल ओवर जो क्रीज है क्रीज पे मैं प्लेस करूंगी ये वाला येलो कलर सेम ब्रश की हेल्प से। मैं जितना भी कम ब्रश यूज करके एक आई लुक को अचीव किया जा सकता है उतना ही मैं दिखा रही हूँ। ठीक है, सिर्फ क्रीज पे आपको प्लेस करना चाहिए, थोड़ा लाइक टिप पे थोड़ा सा लेके सर्कुलर मोशन पे आपको ब्लेंड करना है। देन मैं क्या करूंगी, ये वाला जो कलर है ना डार्क कलर, इसको ये वाला ब्रश की हेल्प से सिर्फ मेरा आउटर कॉर्नर एंड लाइक इनर कॉर्नर एंड आउटर कॉर्नर पे एंड और आउटर वी भी आप कह सकते हो उस पे इसको प्लेस करूंगी। ठीक है, फर्स्ट आई एम जस्ट प्लेस इट। ठीक है, एंड मैं क्या करूंगी इस ब्रश को मैं ऐसे और अब हाथ पे भी ऐसे इसको जो एक्सेस है उसको रिमूव कर सकते हैं। देन मैं इसको ब्लेंड करूंगी, मैं आउटर वी से इनर वी डायरेक्शन पे ब्लेंड करूंगी एंड इनर वी से आउटर वी डायरेक्शन पे ब्लेंड करूंगी, सिर्फ क्रीज लाइन पे, लीड पे ये मिडिल लीड पे प्लेस करने का जरूरत नहीं है, आउटर वी से इनर वी तक, फिर इनर वी से आउटर वी तक। कितना
इतना लाइक ब्लेंडेड फ्लॉलेस लग रहा है ना। मैं फिर ये वाला और ये जो दोनों कलर है डार्क कलर को प्लेस की थी उसका ऊपर मैं प्लेस करूंगी। ठीक है आप ऐसे करके भी आप छोड़ सकते हो, आप थोड़ा सा लाइनर ड्रॉ करके मस्कारा अप्लाई करके भी ऐसे मेकअप को छोड़ सकते हो, बट मैं थोड़ा सा लाइक ट्विस्ट करती हूँ। लाइक जिसको एकदम भी मेकअप नहीं आते हैं वो ये वाला आई लुक को क्रिएट कर सकते हैं, एंड जिसको इतना मेकअप आते हैं उसको मैं और एक ट्रिक सिखाती हूँ। ये वाला जो लाइक गोल्डन शिमर है इसको मैं ये वाला फ्लैट ब्रश की हेल्प से पिक करूंगी। तो मैं क्या करूंगी, ये वाला साइड से इसको मैं प्लेस करूंगी। एंड ये वाला साइड से मैं इसको अप्लाई करूंगी। यू कैन सी अभी है असली खेल। अभी सेम ब्रश की हेल्प से मैं ये वाला ग्लिटर कलर को अप्लाई करूंगी। And this is, oh my god, pigmented. Okay. This, इतने तक, ठीक है? और ये तरफ इतने तक। कितना एक बहुत ही सटल बट बहुत ही यूनिक आई लुक लग रहा है ना। तो गाइस मेरा दोनों आंख का मेकअप इज डन। तो अभी मैं चले जाऊंगी फेस मेकअप के फाउंडेशन के लिए। आप एक ब्राइड हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी, आपका ऑयली स्किन है देन मेबेलिन सुपरस्टे 24 आवर फाउंडेशन को अप्लाई करो, और आपका थोड़ा सा ड्राई टू नॉर्मल स्किन है देन यू कैन गो, और ऑयली भी है ना तो मिलानी को यूज कर सकते हो बिकॉज इट गिव यू ए ड्वी फिनिश एंड इट गिव यू मैट फिनिश। तो मैं ये दोनों को मिक्स करके यूज करूंगी। ठीक है देन मैं इसको मिक्स करूंगी विथ ए छोटू सा ब्रश। तो गाइस यू कैन सी मैं ब्लेंड कर चुकी हूँ। तो अभी मैं लगाऊंगी कंसीलर, तो मैं दोनों कंसीलर को यूज करूंगी, ये स्विस ब्यूटी का एंड मेबेलिन का। ब्लेंडर की हेल्प से इसको ब्लेंड कर लूंगी। मेरे इधर थोड़ा सा पिगमेंटेशन था, आई होप आप देख पाए हैं, बट अब ये नहीं है बिकॉज कंसीलर की हेल्प से मैं इसको हाइड कर चुकी हूँ। दिन में करूंगी बेकिंग। आपका ऑयली स्किन है देन यू शुड डू बेकिंग, एंड आपका ड्राई स्किन है देन आप कॉम्पैक्ट पाउडर की हेल्प से लगा सकते हो, बट मेरा थोड़ा सा अंडर आई क्रीजिंग करते हैं बिकॉज मेरा बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होते हैं तो इसलिए मैं बेकिंग करूँगी। तो बेकिंग के लिए मेरे पास है मेबेलिन फिट मी का लूज पाउडर। तो लोअर लैश लाइन के लिए मैं फिर वही ब्रश ले रही हूँ, ये वाला शेड को मैं ले रही हूँ फर्स्ट। देन मैं ये वाला शेड ले रही हूँ। ठीक है नाउ इट्स टाइम टू डस्ट माय ऑल एक्सेस लूज पाउडर। कंटूरिंग के लिए मैं यूज कर रही हूँ ये वाला शेड, दिस फ्रॉम सुगर कॉस्मेटिक एंड शेड नंबर है 02 वुडी ओंडर। तो देन मैं अप्लाई करूंगी ब्लश। ब्लश के लिए अप्लाई मैं करूंगी ये वाला ब्लश एंड दिस इज फ्रॉम सेम सुगर कॉस्मेटिक्स, एंड आप सिर्फ देखिएगा कि इतना ये कितना ज्यादा पिगमेंटेड है। ठीक है
मैं थोड़ा सा थोड़ा करके अपनी इकट्ठी हूँ, नहीं तो पूरा मेसी हो जाएगा। थोड़ा सा चिन पे अप्लाई करूंगी बिकॉज ये एक न्यू ब्राइड पे बहुत ही अच्छा लगेगा कि लाइक पिंकी पिंकी बहुत ही क्यूट लगेगा। तो अब भी थोड़ा सा चिन पे अप्लाई करो एंड थोड़ा सा नोज पे एंड ब्लश एंड हाइलाइटर। आई लव एक्स्ट्रा, सब जानते हैं कि आई लव ब्लश एंड हाइलाइटर। ओ माय गॉड। सेटिंग स्प्रे के लिए मैं अप्लाई कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का ये मेकअप फिक्सर। देन मैं अप्लाई करूंगी हाइलाइटर। हाइलाइटर के लिए मैं अप्लाई कर रही हूँ ये वेट एंड वाइल्ड का ब्लश लाइटर। एंड उससे पहले मैं ये ब्लश शेड को पिक करूंगी। देन मैं हाइलाइटर शेड को अप्लाई करूंगी एंड लुक एट द ग्लो। एंड अब एक फैन ब्रश भी अप्लाई कर सकते हैं, मेरे पास एक फैन ब्रश भी है बट कहाँ गया मेरा फैन ब्रश। ये रहा मेरा फैन ब्रश, बट मैं फैन ब्रश से एप्लीकेशन एकदम भी पसंद नहीं करती हूँ। तो स्वाथी ब्रश से अप्लाई करना पसंद करती हूँ ताकि ब्लेंडेड लुक लगे। ठीक है, ब्राउ बोन पे लगाने के लिए तो फैन ब्रश लगेगा ही। मिडिल से लास्ट तक, ठीक है, इधर नहीं, मिडिल से लास्ट। एंड जो सबसे अच्छा चीज है, आप जिधर बिंदी पहनते हो ना उधर लगाओ। फोटो खींचने के टाइम पे आप देखोगे कि कितना ग्लोई लग रहा है, ट्रस्ट में। चिन पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा इनर कॉर्नर को हाईलाइट करने के लिए मैं सेम ये वाला शेड को यूज करूंगी बिकॉज वो मैं एकदम ही भूल गई थी। सो वे फॉर दैट यू कैन सी कितना अच्छा लग रहा है। कभी मैं ऑफ कैमरा अप्लाई कर लूंगी मेरा मस्कारा, बट मैं कोई लैश अप्लाई नहीं करूंगी। अब चाहते हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइज यू कैन सी मेरा मस्कारा एप्लीकेशन भी डन। तो अभी मैं चले जाऊंगी लिपस्टिक पे। तो लिपस्टिक के लिए मैं कुछ रेड अप्लाई करती हूँ बिकॉज न्यू ब्राइड्स ऑब्वियसली रेड प्रेफर करते हैं। ये स्मैश बॉक्स का रेड लिपस्टिक अप्लाई करूंगी। द शेड इज बॉजे। तो गाइस दिस इज माय फाइनल लुक। तो मैं ज्वेलरी पहन के एंड थोड़ा सा हेयर को सेट करके जल्दी से बैक करती हूँ। तो गाइस दिस इज माय फाइनल फिनिश लुक। मैं और भी एक वीडियो कर रही हूँ तो इसलिए मेरा हाथ थोड़ा सा गंदा हो गया, बट हियर इज माय फाइनल फिनिश लुक। आप इसके साथ ज्वेलरी पहन सकते हो। तो गाइस मेरा ये मेकअप लुक आपको अच्छा लगा देन डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ बिग थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद फ्रेंड्स फैमिली एंड एवरीवन। एंड आप मेरे चैनल पे नए हो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। एंड यू कैन आल्सो फॉलो मी ऑन माय इंस्टाग्राम। माय इंस्टाग्राम हैंडल इज हियर आल्सो इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड कमेंट करके बताना मत भूलिएगा कि मेरा मेकअप लुक कैसे लग रहा है। तो गाइज चलिए सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टाटा, लव यू, टेक केयर।